हो गया। चलिए अब हम लोग कौन सूत्र का बात करेंगे। इंग्लिश में इसको मिरर फॉर्मूला और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दर्पण। ध्यान दीजिए सब, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है तो पढ़ा होगा किताब में, एक बटे भी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, तो क्या बोलते हैं दर्पण सूत्र? प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए प्रूफ कैसे करना है मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कौन दर्पण में प्रूफ करना है? अवतल में। पहले करते हैं अवतल में, कल उत्तल में भी करना सिखा देंगे। अवतल में करते हैं, उत्तल में बहुत आसान है। अवतल दर्पण में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बहुत बड़का बनाएंगे। बहुत बड़का कहने का मतलब ताकि फोटो सबको दिखाई दे। अब बताओ, अब इसको पीछे से बढ़िया से रंग देते हैं एकदम, बहुत महंगा पेंट लगा के। अब उसके बाद इसमें जो है एक मुखक खींचते हैं और पेप्सी पीते हैं। पेप्सी पी लिए। अब हमको वस्तु कहाँ रखे, ये नियम है, कहाँ रखे वस्तु, किधर रखे? सी और एफ के बीच, यहाँ नहीं रखेंगे हम वस्तु को, रखेंगे अनंत और सी के बीच। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। अब बताइए अनंत और सी के बीच जो किरण सी से जाता है, जो किरण सी से जाता है अनंत और सी के बीच रखे, जो किरण सी से जाता है वो क्या होता है? मतलब आपतन आपतन करती है। जो किरण सी से जाता है अपने ही पथ पर वापस हो जाता है, जो किरण सी से जाता है अपने ही पथ पर, और जो किरण पी से जाता है उसका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, उसका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अब परावर्तित किरण कहाँ कटा? इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे क्या बनेगा? इस बिंदु पे क्या बनेगा? इस वस्तु की फोटो, फोटो। इस बिंदु पे क्या बनेगा? हम मान लेते हैं इसका, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश, बी डैश, इसका नाम ए डैश, हो गया ना। अब इसमें लिखेंगे माना कि, माना वाला बात लिख दो ताकि नंबर ज्यादा आए, लिख देंगे माना कि, माना कि एक दर्पण, एक दर्पण एम एन है, दर्पण का नाम क्या है? एम एन, जिसमें जिसमें मुख अक्ष पर, मुख अक्ष पर, अक्ष पर अनंत अनंत तथा सी के बीच बीच ए बी वस्तु रखा है, ए बी वस्तु रखा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक के बनता है, ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी एन एफ के बीच बनता है, बीच बनता है। तो अब देखते हैं, अब एक बात बताइए, हम इसमें इतना माना कि लिख दिया, अब ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ए है, ये बी है। अब सबसे पहले बताइए पोल से लेके वस्तु के दूरी को क्या बोलते हैं? पोल से लेके वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी लगता है नहीं बोलते पक्का बोलते हैं, तुम लोग का कसम खा के बोलते हैं कि ध्रुव से लेके वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी यू से सूचित करते हैं, और तुम लोग का कसम प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। अब फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी को। ये हो गया, इतना तक हमने कर लिया। अब हम लेंगे, हमको प्रूफ करना है दर्पण सूत्र, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश।
बी सी, ए बी सी, एक नंबर वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, सी थोड़ा इधर हो गया, सी में दो नंबर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। यस सर। मतलब घर बसा नहीं कि लुटेरा आ गया, अभी रुको पहले लिखने दो ना, उसके बाद एकदम बहुत आसान है। दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी में छापने का कोई जरूरत नहीं, एकदम आसान है। अब देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में मैथ में सर त्रिभुज पढ़ाए हैं, समरूपता का नियम लिखाए हैं, यदि दो त्रिभुज का दो एंगल समरूप हो तो ये त्रिभुज समरूप होगा। यदि किसी त्रिभुज का दो एंगल क्या हो, समरूप हो, तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। पता है ये दोनों त्रिभुज है, इसका दो एंगल अगर जो हम लोग समरूप प्रूव कर दे तो ये पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दो एंगल सॉरी दो एंगल जो है बराबर हो जाए तो इसका ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप। मतलब इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में अगर जो दो गो कोण इसका बराबर होगा, दो गो कोण इसका एक दूसरे से बराबर होगा तो क्या होगा, समरूप। आप बताइए ये एंगल कितना डिग्री का लग रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का लग रहा है, हम बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए डैश, सही की गलत, सही सही ना है, एंगल ए बराबर एंगल ए डैश। आप देखो शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए हैं सर कभी, शीर्षाभिमुख कोण मतलब कट्टो पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही कट्टो है, कट्टो में ही बगल वाला कोण, ही बगल वाला कोण को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। तो कट्टो पर जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख, तो यहाँ कट्टो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, दोनों बगल शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, तो हम शीर्षाभिमुख कोण को नाम क्या दे सकते हैं, बी सी ए या ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश एंगल ए डैश सी, होगा कि नहीं होगा, होगा। दो त्रिभुज का दो एंगल प्रूव हो गया, दो एंगल बराबर हो गया, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज होगा ना, और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, होता है। तो क्या करेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी, बी डैश सी बराबर ए सी बटे ए डैश सी। आप बताओ कर्ण जो होगा कर्ण को नहीं लेगी, कर्ण को नहीं लेगी। आप बताओ कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है बीसी, ऐसे में भी कर्ण क्या है बी डैश सी, बी सी और बी डैश सी को क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे, छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ए बी बढ़ गए बराबर ए सी बढ़ गए, इसका काम नहीं था हमको इसीलिए नहीं लिए। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, अगेन 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 मतलब फिर दोबारा फिर से पुनः। आप बताओ अगेन करते हैं ये त्रिभुज को भूल जाते हैं, अब त्रिभुज हम लेते हैं ए बी पी, ये बड़का त्रिभुज लिख रहा है ना, ये बड़का त्रिभुज ए बी पी एक नंबर वाला और ए डैश बी डैश सी, आइए आपको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये दो नंबर वाला त्रिभुज, ये बड़का वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, समझ में आ रही है बातें, मतलब पहले लेना है ये दोनों में, आप किस में लेना है, पूरा बड़का वाला में और ये पूरा बड़का वाला में, समझ में आ रही है बातें। हम लेते हैं त्रिभुज ए बी पी ए बी पी एंड ए डैश बी में, आप बताइए एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल ए डैश यूनिवर्सल ट्रुथ है यहाँ, बराबर होगा 90 डिग्री, एंगल ए बराबर एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, समकोण से, समकोण से, हाँ समकोण से। अब बताइए एंगल ये जो आ रहा है ये आपतित किरण है, ये जो जा रहा है ये क्या है, और आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है कि नहीं होता है, परावर्तन
आपतन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप बताइए आपतन कोण क्या है? आपतन कोण है BPA या APB? बोल सकते हैं APB। आपतन कोण है APB इक्वल बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश एंगल ए डैश पी बी डैश। मतलब ये एंगल बराबर ये यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल आई बराबर काहे परावर्तन के उस दो त्रिभुज का एंगल समरूप बराबर है तो आप बताओ त्रिभुज समरूप होगा? यस सर। त्रिभुज समरूप होगा? यस सर। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज ADBC के। अब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। आप बताओ AB बटा इधर AB लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा ADBC बराबर बराबर यहाँ पे BP लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा BD बराबर AP लेंगे तो ADBC। आप बताओ इसमें कर्ण को छोड़ देंगे कर्ण क्या है BD कर्ण है कर्ण को छोड़ दो कर्ण को छोड़ देंगे तो AB बटे ADBC होगा AB बटे ADBC बराबर AP बटे ADBC एडेस। आप बताइए समीकरण इसको दो मानते हैं समीकरण। आप बताइए समीकरण एक से देखिए AB बटा एडेस भी है यहाँ भी AB बटा एडेस भी है। आप बताओ दोनों ये दोनों बराबर है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे समीकरण समीकरण एक तथा दो से कर सकते हैं यहाँ पे AC बटे ADC बराबर AP बटे ADC कर सकते हैं ना। अरे ये LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा सब जानता है ना। बाद AC क्या है AC वो चीज AC नथिंग AC कुछ है आप बताओ ADC कुछ है ADC कुछ है नहीं है ADC इतना दूरी कुछ है नहीं है AP कुछ है AP है वस्तु दूरी AP क्या है वस्तु दूरी। आप बताओ आप ADP कुछ है ADP दूरी ये नहीं है ना AC है ये AC निकालना है ना। हम क्या करते हैं देखो PB में से PA में से PA में से PA में से PC घटा देते समझ आया? यस सर। पूरा PA माइनस PC बराबर AC बचेगा समझ में आया? पूरा PA में से क्या घटा देंगे PC तो क्या बचेगा PA माइनस PC काहे घटाएंगे क्योंकि PC बराबर R दिया गया है ना हमको PC का मान कितना है आर ये वक्रता त्रिज्या आर होता है PC बराबर आर और PA बराबर U हो जाएगा ना। आप बताओ ये कहानी खत्म हो जाएगा ये AC हट जाएगा तो AC बराबर क्या कर सकते हैं AC बराबर PAP माइनस PC AC बराबर AP माइनस PC अब बटा क्या हो जाएगा AP माइनस PC अब बटा ADC ADC के लिए क्या दे सकते हैं PC माइनस PC माइनस ADC PCR है और PA जो है U भी है PA क्या है PA क्या है B तो क्या करेंगे PC माइनस PA यहाँ कर सकते हैं PC माइनस PA PC माइनस PA बराबर ADC हो जाएगा ना। आप बताइए अब यहाँ क्या हो जाएगा AP बटे ADP मान रखने पर मान रखने पर आप बताओ मान रखते हैं AP का मान कितना है बताओ AP कितना है AP U साइन के साथ ना मान रखेंगे AP का मान माइनस U तो यहाँ क्या देंगे माइनस U अब माइनस फॉर्मूला वाला ये माइनस यहाँ लिखा है ना ये माइनस अब PC क्या है P और C R है तो R माइनस R की प्लस R
अब बट पीसी क्या है, पीसी माइनस आर, पीसी क्या है माइनस आर, माइनस का माइनस, और उसके बाद में पीए, पीए डैश, पी ए डैश क्या है माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी। अब बताओ एपी क्या है, एपी क्या है यू, तो क्या हो जाएगा माइनस यू, और ए डैश पी क्या है माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस से माइनस जाएगा जाएगा। अब बताओ माइनस यू अब प्लस आर बटे माइनस आर प्लस बी बराबर यू बटे बी। अब इसको इधर इसको जो है सही से लिखते हैं, सही से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं आर माइनस यू बटे बी प्लस बी माइनस आर, लिख सकते हैं यू को उधर कर दिया आर को पहले भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं बराबर यू बटे बी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना को नहीं गुना करेंगे ना, इसको इससे इसको कोना को नहीं गुना करेंगे। आप बताओ तो क्या हो जाएगा यू बी माइनस यू आर हो जाएगा ना, यू बी माइनस यू आर बराबर कितना हो जाएगा आर बी ई आर बी आर माइनस बी आर माइनस यू बी। हाँ बताओ ये यू आर ये यू बी को एक साइड ले आते हैं, यू बी को किधर ले आते हैं, ये उधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो यू बी प्लस यू बी कर सकते हैं बराबर बी आर माइनस प्लस यू आर, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में बी आर माइनस यू आर। हाँ बताओ यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको बी यू यू बी माइनस माइनस इससे गुणा किए यू बी का यू बी, ये क्या हो जाएगा यू आर, सही तो है। आप बताइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आर प्लस वी आर प्लस यू आर हो जाएगा ना, आर का मान रखेंगे यहाँ पे, किसका मान रखेंगे आर बराबर, अभी क्या प्रूफ किए थे आर बराबर क्या प्रूफ किए थे, नहीं प्रूफ किए थे अभी आर बराबर टू है, टू यू भी बराबर टू बी एफ कर सकते हैं, आर के जगह टू एफ रखेंगे तो टू एफ भी आएगा ना, बी को बीच में रख दिए प्लस यू टू यू एफ हो जाएगा ना टू यू एफ। अब बताओ टू को मन करेंगे तो क्या हो जाएगा यू भी बराबर इससे टू है यहाँ पे ये टू है तो क्या यहाँ से टू को मन करेंगे बी एफ प्लस यू एफ हो जाएगा ना, बी एफ प्लस ये टू से टू गया तो क्या बच गया यू बी बराबर बी एफ प्लस यू एफ। आप बताओ दोनों तरफ यू बी एफ से एफ से भाग देने पर दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने तो क्या हो जाएगा एक बटे, यहाँ पे क्या है यू बी बटे यू बी एफ अब बराबर बी एफ बटे यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ हो जाएगा ना इतना। अब बताइए यहाँ से यू बी है ना, यू बी से यू बी गया चला जाएगा, बी एफ से बी एफ गया, आप बताइए यू एफ से एफ गया और यू गया न, तो क्या बचा यहाँ बच गया एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे बी, तो इसको लिख सकते हैं एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू, इसको क्या बोलते हैं दर्पण सूत्र, इसको क्या बोलते हैं दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र बराबर एक बटे एफ बराबर एक बटे यू प्लस एक बटे बी, समझ में आया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को
कोई दिक्कत है? आए तो बोलो, कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत है तो पूछो। छापेगा ही क्या? नो अक्षर कैसे बोलता है? सब छापेगा ही, छापो सब। छापेगा कैसे? नो क्या बोलती है? छापो इसको। जो नहीं छाप रहा है वो समझ लो उसका उसका पापा का कसम खा के कहते हैं उसको मारेंगे। अरे ये 20 मिनट हुआ है अभी तक, एक और था ना इधर, पंच सूत्र वाला हो गया। कैसे इसको रोकेंगे?